I must not use God's name disrespectfully. I must not be disobedient to parents, teachers and elders. I must not tell lies. Hame jhoot nahi bolna chahiye. I must not tell lies. Hame jhoot nahi bolna chahiye. Raj, beta. Yes, daddy. Zara dekho to kiska phone hai. Hello? Is it 372916? Yes. May I speak to Mr. Kumar, please? Who's speaking? Mohan Khanna. Just a moment, please. Daddy, Mohan Khanna ka telephone hai. Keh do ke main ghar pe nahi hu. Kal subah phone kare. Hello? Vasu ghar pe nahi hai. Aap kal subah phone kijiyega. Aap mera message rakh dijiyega ki maine phone kiya tha. Ji. I must not tell lies. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. I must not tell lies. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. जी आपसे तो मिलना ही मुश्किल है. कितनी बार टेलीफोन किया आपको, कितने मैसेज भेजे. आइए आइए भरवा साहब, फरमाइए कहाँ तक पहुँचा है आपका कॉलेज बनाने का प्लान. जी इमारत की नींव रखने के लिए अगले महीने की 24 तारीख फिक्स हुई है. वेरी गुड. अब उस शुभ अवसर पे किन मिनिस्टर महोदय को बुलाना ये फैसला आप कीजिए. मेरे ख्याल से तो एजुकेशन मिनिस्टर को ही बुलाना चाहिए. क्यों राम सरन जी? जी सही कह रहे हैं. और दूसरी समस्या है जी फंड्स. वो मेरी तरफ से आप 4 लाख रुपया अनाउंस कर सकते हैं कल ही. अब फिर देखते हैं कौन कितना देता है, मगर काम तो शुरू हो जाएगा ना. हाँ जी काम जरूर शुरू हो जाएगा. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए. अच्छी बात है. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. कहिए रामचरण जी, इस शुभ काम के लिए आप कितना दे रहे हैं? जी एक दमड़ी भी नहीं. जी आज मेरा बेटा पुलिस लॉकअप में. पुलिस लॉकअप? जी हाँ. और आपका वो चाहता है इंस्पेक्टर क्या नाम शेखर. हाँ. मुझे थाने से बाहर निकाल दिया. आप फिक्र न कीजिए, मैं आपके लड़के को छुड़ा कर लाऊंगा. अजी जब छूट जाएगा तो भेज देना किसी को, दे देंगे 1-2 लाख रुपया कॉलेज के लिए. Oh God, save me. हेलो इंस्पेक्टर शेखर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आपने मुझे बुलाया था? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने सुना राम सरन का लड़का किसी केस में फंस गया है और उस केस के इंचार्ज तुम हो. जी हाँ, वो केस मर्डर और रेप का है. मर्डर? जी, ये बड़े लोगों के लड़के तो कानून को बाप की जागीर समझते हैं. लड़की को रेप किया, मारा
और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दिया। I say, you know, Inspector, ये राम सरन हमारे इलाके का एक बहुत ही रसूख वाला इंसान है। मैं समझता हूँ सर, लेकिन क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसे आई विटनेसेस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं कि जहां तक पुलिस का सवाल है, ये केस काफी साफ सुथरा है। कम वक्त में इस केस को उलझा दो इंस्पेक्टर। बाय द वे, लड़की किसकी थी? सर्किट हाउस के चौकीदार की। तुम ही सोचो इंस्पेक्टर, एक मामूली चौकीदार की लड़की की मौत के लिए राम सरन जैसे रईस के लड़के को कैसे सजा दी जा सकती है? मैं कुछ समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर, राम सरन वो हस्ती है जिसके बल पर हम इलेक्शन जीतते हैं और सामने वाला उम्मीदवार हारता है। तुम इस केस को उलझा दो, बिगाड़ दो, फाइल को गायब कर दो, कुछ भी करो। बट सर ये जस्ट अ मिनट, तुम ऐसा करो, राम सरन के लड़के के बजाय किसी और को अंदर कर दो। ये कैसे हो सकता है? इट्स अ मर्डर केस। शेखर, लेकिन आप जो कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ये मेरी ताकत के बाहर की बात है। तुम्हारी ताकत में जो कुछ भी है तुम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक चूंटी की मौत के लिए हाथी को सजा नहीं दी जा सकती। ये केस इतना नंगा है सर कि इस पर पर्दा डालना मेरे बस की बात नहीं। आई एम सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। बुरी बात है राज। क्या रीना आंटी? छुपकर बड़ों की बातें सुनना। छुपकर कहाँ सुन रहा था, सामने ही तो था, किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अच्छा अब चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलिए। हाँ, शाम को तुम्हारा नहाने का प्रोग्राम है? हाँ, स्कूल से आते ही। तो फिर मैं तुम्हें बीच पर ही मिलूंगी। ओके। Yes. Hello, जौहर, कुमार हियर। Yes, sir. तुम दफ्तर आते आते रास्ते में काम करते आना। कहिए। वो जो इंस्पेक्टर शेखर है ना, जरा ऊंची आवाज में बोलने लगा है, जितनी जल्दी हो सके। I want him to be transferred. Okay, sir. इंस्पेक्टर शेखर। यस yes. क्या हुआ मर्डर केस का? मर्डर केस? हाँ, रामशरण के लड़के का। तुम कुमार साहब के बेटे हो ना? जी। मेरा ट्रांसफर हो गया बेटा। Thank you.
हेलो डॉक्टर मेहता, ये डॉक्टर मेहता, अब राधा की तबीयत कैसी है? कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है कुमार। अरे भाई तुम दिन में एक आध बार आकर उससे मिल तो जाया करो, बेचारी सारा दिन अकेली बैठी रहती है। ओह डॉक्टर, तुम तो जानती हो हाउ बिजी आई एम, फिर तुम तो हो ही ना। ओहो कुमार, तुम समझते क्यों नहीं, मैं उसका पति नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उसे दवा दे सकता हूँ, लेकिन मैं। ओहो डॉक्टर, तुम समझते क्यों नहीं, किसी भी बीमार औरत को पति से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत होती है, प्लीज लुक आफ्टर हर। बट कुमार। थैंक यू डैडी। यस बेटा। मम्मी कब आएंगी? तुम्हारी मम्मी की तकदीर ही खराब है बेटा, बेचारी की तकरीबन सारी जिंदगी हॉस्पिटल में ही गुजर गई। आप मम्मी को देखने हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? जाने का वक्त कहाँ मिलता बेटा, ऑफिस से छूटो तो पार्टियां, पार्टियां नहीं तो मीटिंग। देखो ना अभी भी छत पर कितनी बड़ी पार्टी चल रही है और कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उन्हें एंटरटेन करना भी तो मेरा फर्ज है। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारे लिए तो खास तौर से मैंने रीना को रखा है, वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। अरे भाई कुमार साहब कहाँ चले गए? आप कहाँ नहीं। अच्छा बेटा, कुमार डार्लिंग। हाय नीलू। मेरे हस्बैंड की प्रमोशन अभी तक नहीं हुई। ओह डोंट वरी, आई विल सी टू इट। हाय कुमार, कहाँ चले गए थे तुम? यार एक जरूरी फोन आ गया था। कम इन रीना, आओ आओ, क्या बात है? कल से राज के लिए आप और किसी को रख लीजिए, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? कुमार साहब, मैं राज की उम्र के लड़के की माँ बनने के लिए बहुत छोटी हूँ। क्या मतलब? राज अब बड़ा हो रहा है कुमार साहब, सवाल करना उसकी आदत है, अजीब अजीब हरकतें करता है वो आजकल, हर बात पर सवाल करता है, और मैं हर सवाल का जवाब देते वक्त ये याद नहीं रख सकती कि मुझे उसे अपने बेटे जैसा समझना चाहिए। आई सी, ये बात है। ओ, आज से ड्राइवर भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। दयाल, दयाल। जी छोटे सरकार। डैडी कहाँ है? रीना मैम सबके साथ बाहर गए हैं। तुम जानती थी कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? आप जानबूझकर गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए मैंने नहीं रोका। अगर मुझे लगता कि आप रास्ता भूल गए हैं तो मैं जरूर रोकती। आप पीछे आएंगे या मैं आगे आऊं? मैं पीछे आ रहा हूं। हेलो, मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ, जरा कुमार साहब को बुला दीजिएगा जल्दी प्लीज। डैडी इस वक्त घर पर नहीं है डॉक्टर साहब। कौन, राज? जी। कहाँ गए हैं तुम्हारे डैडी? पता नहीं डॉक्टर साहब, रीना आंटी के साथ कहीं बाहर गए। ओह ऐसे ही। अच्छा देखो ऐसा करना, जैसे ही तुम्हारे डैडी आए उन्हें फौरन मेरे नर्सिंग होम भेज दो, ओके? तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, समझे?
I'm sorry, Raj. मैंने पूरी कोशिश की लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका. बेचारी मरने से पहले एक बार पति को देखने की तमन्ना लेकर ही मर गई. अरे छोटे सरकार, इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? डैडी आए. नहीं तो क्यों? डैडी आए तो कह देना मेरी माँ मर गई. अरुणा, रात बहुत हो गई, चलो आराम करो. वो कुछ पड़ोसी का शरारती बच्चा ऐसे ही घंटी बजा रहा है. तुम लेट जाओ, मैं जरा दरवाजे खिड़कियां बंद करके आता हूं. आजकल इनकम टैक्स के रेट बहुत पड़ रहे हैं, हैं? अब ये तो भगवान की दया है कि अरुणा गुंगी और अंधी है, वरना आपके यहां से गड़बड़ हो जाती. अच्छा जौहर, इस मकान का ऊपर का हिस्सा खाली है ना? जी हाँ. क्यों? कल से यहाँ कोई रहने के लिए आएगा. सफाई करवा के रखना. ये कोई कौन? तुम तो जानते हो मुझे हर रोज एक तरह का खाना पसंद नहीं आता. हाँ जानता हूँ. दाल नहीं तो सब्जी, और मुर्गी नहीं तो मटन. मगर वो हनीमून अपार्टमेंट वाली रजनी का क्या होगा? वो उसकी शादी तो मैंने अपने अकाउंट डिपार्टमेंट के रमन से करवा दी. हाँ, और वो अपार्टमेंट रजनी के अकाउंट में करवा दिया होगा. ऑब्वियसली. अच्छा तुम सफाई करवा के रखना. करवा के रखूंगा. ये मर्द नाम का जानवर औरत को कब तक तरकारी सब्जी और गोश्त समझता रहेगा? बड़े सरकार. हाँ? आप हॉस्पिटल गए थे? नहीं तो क्यों? मालकिन का देहांत हो गया. क्या? जॉर को फोन कर दो और कह दो कि वो हॉस्पिटल से राधा की बॉडी लाने के इंतजाम करे. और कह देना कि कल सुबह मेरे फ्लाइट का टिकट भी कैंसिल कर दे. दयाल. जी सरकार. राज को तुम कुछ मत बताना, मैं कल सुबह बता दूंगा. हेलो जोहर साहब, मैं दयाल बोल रहा हूँ कुमार साहब के घर से. मालकिन का देहांत हो गया. कितने सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं. सवाल एक ही है सरिता, बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा. भूल क्यों नहीं जाते इस सवाल को? कैसे भूल जाऊं, मैं ही तो हूं ये सवाल. अपने आप को कोई भूल सकता है? क्यों नहीं. कैसे? किसी के होकर और किसी में खोकर. Oh
हर जन्म में हमारा मिलन दो दिलों का उजाला रहे जन्म में हमारा मिलन सावन गाता रहे नैनों का संगम होता रहे सपनों का सावन गाता रहे हर जन्म में हमारा मिलन दो दिलों का उजाला रहे हर जन्म में हमारा मिलन छोड़कर बेबी का कमरा साफ किया करो जी अच्छा और सुनो गीजर भी ऑन कर देना जी अच्छा पीटर पीटर जी हां मैम साहब चाय का पानी रखा है जी हां मैम साहब और सुनो कुछ टोस्ट भी बना लेना 5:30 बज गए भूख लगी होगी सरिता को जी बहुत अच्छा अरे आ गई ओह मम्मी बहुत खुश नजर आ रही हो मम्मी आज मैं बहुत 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 खुश हूँ किसी से प्यार हो गया है तो प्यार से भी ज्यादा और कुछ हो गया है
प्यार से भी ज्यादा और कुछ हो गया है, प्यार से भी ज्यादा और कुछ हो गया है। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मम्मी इस तरह क्यों देख रही है? देख रही हूँ, कल ही जब खेलने पे आती है कितनी महकती है। मगर बेटी मालिक का क्या भरोसा, मौसम का क्या इतबार, मैं समझी नहीं मम्मी। मेरी एक बात याद रखना बेटी, हालात कैसे भी हो, कोई मरे या कोई जिए, शादी उसी से करना जिसे प्यार करती हो। मम्मी ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो प्यार किसी और से करती हैं और शादी किसी और से, होती शायद ना भी हो, बना दी जाती हैं। कौन बनाता है उन्हें, बोलिए ना मम्मी कौन बनाता है? हालात, तकदीर, माँ बाप। कान खोल कर सुन लो रत्ना, तुम्हारी शादी वही होगी जहां हमने तय की है। एक लखपति अगर उम्र में तुमसे 15 साल बड़ा भी है तो क्या हुआ, उस 400 रुपए कमाने वाले सेल्समैन से तो कहीं अच्छा है। तुम्हारे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा रत्ना, मेरा फैसला अटल है, समझी? चलो बेटी चाय ठंडी हो रही है। बेटी अगर मुनासिब समझो तो मुझे भी बता दो, लड़का कौन है, किसका है? मम्मी मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, कुमार साहब का बेटा है राज। कुमार साहब का बेटा? वही ना जिनके यहाँ तुम्हारी अरुणा दीदी के हस्बैंड मिस्टर जौहर काम करते हैं। हाँ वही बेचारी अरुणा दीदी। आई एम सॉरी बेटी, ये जानते हुए भी कि अरुणा के जिक्र पर तुम उदास हो जाती हो, बात मेरे मुंह से निकल गई। पता नहीं क्यों मम्मी, मुझे अरुणा दीदी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत तरस आता है उन पर। मामा 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 हमारे रेडे चलाओ। सुब्रमण्यम आया अम्मा। मैं अभी आता हूं अम्मा। अरे अरुणा
ये तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? ये आया किस लिए रखी है? चंदा आई सरकार, जल्दी आओ, इधर आओ। तुमसे कहानी था हमेशा इनके साथ रहा करो। तुम इतनी अपसेट क्यों गई अरुणा? हाँ, वो तुम्हारी सहेली मिली थी, वो सरिता, बड़ी भोली और बड़ी प्यारी लड़की है, जिसके साथ भी रहेगी, मेरे मतलब जिसके साथ भी शादी करेगी ना, उसके तो भाग खुल जाएंगे। हाँ, मैं उसको कहकर आया हूँ तुम्हें मिलने आएगी, जरूर आएगी। अरे अरुणा बैठो ना, लोग समझते हैं कि मैं अंधी बीवी पाकर बहुत दुखी हूँ। बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि मैं कितना सुखी हूँ। काश भगवान सबको मेरी जैसी बीवी दे। इन्हें पंगे रहेंगे। क्या करेगा साहब, चंदा माँ गड़ी गड़ी बुला काम बोलता है। पो पो। अच्छा साहब, शिवा 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 शिवा। ओहो, ये जब तक अमेरिका वाले नई जवानी की दवा निकालेंगे, अपनी पुरानी जवानी से काम लेना पड़ेगा। अरुणा माँ, साहब हमको अपने कमरे से हमेशा निकलता है, चंदा को निकलता नहीं, उसको बुलाता है। अरे रूना, क्या बात है? मैं योगा कर रहा था ना, तो मैंने कपड़े उतार के यहीं फेंक दिए। क्या ढूंढ रही हो? अरे क्या ढूंढ रही हो, क्या कर रही हो? अरुणा क्या बात है, चलो डिनर रेडी है, चलो डिनर खाएं। आओ चलो, जरा डिनर लगवाओ, मैं अभी आता हूँ। बच गए। अरुणा, अरे जोर साहब, तुमने मुझे बुलवाया? हाँ, आपके कुमार साहब ने तो मेरे खतों का जवाब देते हैं ना टेलीफोन पे बात करते हैं, इसलिए आपके जरिए मैं एक संदेशा भेजना चाहती हूँ। बेशक, क्या संदेशा है? कुमार साहब ने मुझ पे तेजाब फेंकवा कर मुझे डराने की कोशिश की है, लेकिन आप उनसे कह दीजिएगा कि अगर वो मुझे मार भी डालने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरुणा, तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, अब तुम्हें उस आने वाली नन्ही जान का ख्याल करना चाहिए। कुमार साहब को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ और किसी शरीफ आदमी से शादी करके शांति से अपनी जिंदगी बसर करो। आप भी बहुत भोले हैं जौहर साहब, एक तो मैं गाने वाली, दूसरी नाजायज बच्चे की माँ, और तीसरे तेजाब से जला हुआ मेरा ये बदन, कौन शरीफ आदमी मुझसे शादी करेगा? मैं तुमसे शादी करूंगा। सुब्रमण्यम आया साहब। ओ सुब्रमण्यम, जाने दो माँ, साहब हम खनूर से निकल देगा। Sorry, darling. I'm drunk tonight. You know, बहुत बड़ी पार्टी थी मेरे घर पे. Thank you. It's too much. It's that, darling. राज कैसा है? राज? कौन राज? Your son. Oh, my son. अरे अच्छा हो गया राज, तुम मिल गए, मैं तुम्हारी ही तलाश में आया था। क्यों? मुझे एडमिशन नहीं मिली यार, प्रिंसिपल साहब ने साफ इनकार कर दिया। किस ग्राउंड पे? कहने लगे कि बिल्कुल जगह नहीं। तो फिर किसी और कॉलेज में ट्राई करो ना। नहीं यार, बहुत जगह धक्के खाने के बाद यहाँ आया था। आई सी। तुम अपने डैडी से कहो ना यार, प्रिंसिपल साहब को फोन कर दें, आई एम श्योर मुझे एडमिशन मिल जाएगी। मेरे डैडी के फोन करने से? हाँ राज, मगर जब जगह है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? तुम्हारे डैडी कहेंगे तो जगह अपने आप बन जाएगी। ना हरदीप, जब जगह है ही नहीं तो बनेगी कैसे? तुम नहीं समझते राज, हर कॉलेज में कुछ सीटें इसलिए रख ली जाती हैं कि जब भी कोई लड़का किसी बड़े आदमी का इन्फ्लुएंस लेकर आएगा उसे एडमिशन देनी ही पड़ेगी। बट दिस इज डाउन राइट करप्शन, डोंट टेल मी कि हमारे देश में स्कूल और कॉलेज भी करप्ट है।
हाथ कंगन को आरसी क्या? तुम अपने डैडी से फोन करवा के देख लो ना। नहीं हरदीप, अगर वाकई हमारे टीचर्स हमारे रहनुमा इतने करप्ट हैं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो मैं ऐसे ही चले जाओ मेरे डैडी के पास, वो फोन कर देंगे। ये सोशल सर्विस करते करते तो मेरा नाक में दम आ गया। किसके बेटे हो तुम? जी कन्हैया लाल जी का। क्या करते हैं ये कन्हैया लाल जी? जी छोटी सी दुकान है। ओ तो बनिए हैं जी। ठीक है, मैं कुमार साहब से सुबह फोन करवा दूंगा, तुम कॉलेज चले जाना, एडमिशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सर बड़े जल्दी मान गए। अरे भाई बनिया जो था। लो राज मिठाई खाओ, मुझे एडमिशन मिल गई है। मेरे डैडी के फोन करने से? हाँ तुम्हारे डैडी के फोन करने से। लो खाओ ना यार, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, एक तरफ मेरे गरीब दोस्त को कॉलेज में एडमिशन मिली है और दूसरी तरफ ये बात पक्की हो गई है कि कॉलेजों में भी रसूख और सिफारिश नाम की बीमारियां पल रही हैं। अब कौन सी बात की खुशी मनाऊं और कौन सी बात का मातम करूं? हेलो राज सर। गुड इवनिंग, सिट डाउन। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। पूछो, शौक से पूछो। जी सर, आपने आज एक हरदीप नाम के लड़के को कॉलेज में एडमिशन दी है? हाँ दी है, क्यों? और चार दिन पहले उस लड़के की एप्लीकेशन ये कहकर रिजेक्ट कर दी गई थी कि कॉलेज में जगह नहीं है। कर दी गई थी। मैं ये समझना चाहता हूँ सर कि जिस लड़के के लिए चार दिन पहले जगह नहीं थी, आज वो जगह कहां से पैदा हो गई, कैसे पैदा हो गई? May I say one thing? It is none of your business. I'm sorry, sir. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था अपनी जानकारी के लिए, अगर आप बुरा ना माने तो। एक मामूली सी बात है राज, चार दिन पहले वो लड़का बिल्कुल अकेला था, आज उस लड़के के पीछे तुम्हारे डैडी खड़े हैं और तुम्हारे डैडी हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, उनका कहा हमारा कॉलेज टाल नहीं सकता। हो सकता है उस लड़के के किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ तुम्हारे डैडी का ऐसा रिश्ता हो कि उसकी बात तुम्हारे डैडी नहीं टाल सकते। बस दुनिया इसी तरह चलती है। ये दुनिया किस तरह चलती है सर? झूठ पर, बेईमानी पर? सब कुछ तुम्हारे सामने है, फैसला कर लो। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। बेहतर होगा अगर ये सब तुम अपने डैडी से पूछो जाकर। मेरे डैडी मेरे टीचर नहीं है सर, आप मेरे टीचर हैं, इसलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि ये सब स्कूल्स, कॉलेजेस, ये संस्थाएं जो हमें सिखाती हैं कि झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, अन्याय को बर्दाश्त मत करो, इनकी अपनी बुनियाद सच, न्याय और ईमान क्यों नहीं है? राज जिस विषय पर हम इतनी बहस कर रहे हैं वो कोई इतनी सीरियस बात नहीं जिस पर तुमने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। राज। यस डैडी। प्लीज कम अप। प्रिंसिपल वर्मा का फोन आया था, कह रहे थे तुम काफी परेशान हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम है कॉन्ट्रडिक्शन डैडी, सिखाया कुछ और जाता है और सामने कुछ और आता है। तो इसे प्रॉब्लम क्यों बनाते हो? जो सामने आता है उसका सामना करने का उपाय करो, जो सिखाया गया है उसे भूल जाओ। जिसे आप भूल जाने के लिए कह रहे हैं डैडी, उसे ये एजुकेशन सिस्टम क्यों सिखाता है हमें? जो सामने आने वाला है वो क्यों नहीं सिखाया जाता? मैं मानता हूं राज, जो सिखाया जाता है और जो सामने आता है वो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। मगर तुमने कभी ये सोचा है कि अगर सच और ईमानदारी हमारी जिंदगी में उतनी ही जरूरी हो जाए जितना कि खाना और सोना है, तो क्या होगा? क्या होगा? जरा सोचो, अगर हमारे देश का हर इंसान सच बोलने वाला और ईमानदार हो जाए तो पुलिस नहीं होगी, कोर्ट कचहरियां नहीं होंगी, सारे देश के लिए एक ही अदालत काफी होगी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज डिपार्टमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, रेलवे में सिर्फ एक ड्राइवर के सिवा और किसी की जरूरत भी नहीं होगी, इसी तरह और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, तो नतीजा क्या होगा?
देश के 80% लोग बेकार हो जाएंगे। उन 80% और बहुत सारे पढ़े लिखे बेकार लोगों को काम मिल जाए, इसके लिए जरूरी है कि सच और ईमानदारी किताबों में रहे और झूठ और बेईमानी जिंदगी में। आपका मतलब है? ये मेरा मतलब नहीं है राज, ये सिस्टम है, रियलिटी है, रियलिटी। अच्छा, तुमने कभी सुना है कि सरकार ने कभी किसी को खाना खाने के लिए मेडल दिया हो? नहीं सुना ना, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि सरकार ने किसी भले आदमी को ईमानदारी के लिए इनाम दिया है। क्यों? क्योंकि बेईमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ईमानदार ढूंढे से नहीं मिलता। आज हमारे देश में भगवान बुद्ध, परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे इंसानों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ये सब महापुरुष थे, इनके जैसे और कोई नहीं है। लेकिन अगर हम सब इन महापुरुषों की बातों को सही समझें, उन पर अमल करें, तो हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। उस सूरत में क्या होगा? किसी महापुरुष की पूजा नहीं होगी, क्योंकि हम सभी महापुरुष बन जाएंगे। लेकिन चूंकि हमें उन महापुरुषों की बातों को सही नहीं समझना है, उन पर अमल नहीं करना है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह जो जिंदगी के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो जिंदगी नहीं है। जो जिंदगी है, अगर वही सिखाना और पढ़ाना हो तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस की कोई जरूरत नहीं होगी, वो तो इंसान अपने आप ही सीख लेगा। आई डो नॉट अग्री विथ यू डैडी। मैं समझता हूं कि किसी भी महापुरुष को पूजने की बजाय बेटर है उनकी बातों को समझना, उन पर अमल करना। Then do it. करो, तुम्हें भी पूजेगी दुनिया। देखो राज, हम आज भी उस इंसान को क्रिमिनल कहते हैं जिसने जमीन पर पहली लकीर खींची थी और कहा था ये मेरी जमीन है। और हम लोगों ने क्या किया? जमीन को कुछ टुकड़ों में बांटकर उनके नाम रख लिए और उन पर टिके रहने के लिए हम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। रिमेंबर, जिसे हम क्रिमिनल कहते हैं उसे को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इस सिविलाइजेशन के बुनियादी सेल्फिशनेस और करप्शन है। दुनिया में सबसे पहला सिस्टम बना था शादी। उसका बेस क्या है? मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ मेरा नाम जिंदा रहेगा। ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं तो क्या है? मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी मां, मेरी बहन, मेरा धर्म, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा देश, ये सब सेल्फिशनेस पर बेस्ड है। टेल मी वन थिंग, अगर आज दो घरों में आग लग जाए और उनमें से एक तुम्हारा हो, तो तुम पहले किस घर की आग बुझाओगे? अपने ही घर की ना। ये मैं और मेरे का इन्फ्लुएंस है तो और क्या है? लिहाजा करप्शन है, करप्शन। जो लोग इस मैं और मेरे को जीत लेते हैं या उन्हें डिनाउंस कर देते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। और जो लोग सरेंडर कर देते हैं वो पूजते हैं। अब तुम अपने लिए खुद ही फैसला कर लो, तुम्हें पूजने वालों में से रहना है या उन लोगों में से एक बनना है जिनकी पूजा होती है। आई गिव यू टाइम टू थिंक माय बॉय। आज आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं राज के लिए बहुत परेशान हूं। वो खुद अपने लिए दिन ब दिन एक सवाल बनता जा रहा है। उलझ गया तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे कभी कभी यहां बुला लिया करूं। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा, मैंने तो बहुत दिनों से देखा ही नहीं। तुम क्या करोगी उसे बुलाकर? He is a confused person. मैं कोशिश करूंगी उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसका कंफ्यूजन दूर करते करते खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाओ, जैसे कि मैं हो गया हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसे ये कभी पता लगना नहीं चाहिए कि मैं और तुम।
परेशान हो? नहीं, अशांत हूं। मेरे मन में एक अजीब तूफान उठा हुआ है। मेरे साथ चलोगे? कहाँ? मेरी एक सहेली की यहाँ। क्यों? मन को शांति मिलेगी। ऐसा भी कोई इंसान है जो दूसरे के मन को शांति दे सके? हाँ, मेरी अरुणा दीदी है, बेचारी गूंगी और अंधी है। उन्हें देखकर तो शायद सागर का तूफान भी शांत हो जाए। तुम्हारा तो मन ही अशांत है। इंसान का मन सागर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है सरिता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यह अशांत मन तुम्हारी अरुणा दीदी की शांति को भी भंग कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम चलो तो प्लीज। अच्छा चलो। आ जाओ अरुणा दीदी। कैसी हो दीदी? अच्छी हो ना? ये है राज। नमस्ते जी। मेरे कॉलेज का दोस्त, कुमार साहब का बेटा।
मैं तुम पर मुकदमा चलाऊं? जुर्म क्या है? मेरी नींद की चोरी, मेरे सुकून की चोरी। नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बगैर मैं अरुणा। ये बांदी आखिरी सांस तक आपके कदमों की सेवा करने के लिए तैयार है कुमार साहब। जाने क्या जादू कर दिया तुमने मुझ पर। हर सूरत में तुम्हारी सूरत नजर आती है, हर पल तुम्हारी याद सताती है। मैं पागल हो जाऊंगा अरुणा। मैं मजबूर हूं अरुणा, शादी नहीं कर सकता। और मैं भी मजबूर हूँ कुमार साहब, मैं अपनी जिंदगी से खेल सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी से नहीं खेलूंगी। यह नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता तो माँ बनने की भी इजाजत नहीं दे सकता। माँ तो मैं बनूंगी कुमार साहब, और आपके बच्चे की, और दुनिया से या अपने बच्चे से उसके बाप का नाम नहीं छुपाऊंगी। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करो। 10 लाख रुपए और साथ एक डॉक्टर देता हूँ, चले जाओ यहाँ से। आपसे मिलने के बाद अरुणा बिकना भूल चुकी है कुमार साहब, और अब मैं डरती भी नहीं। किसी माँ से उसके गोद का बच्चा छीनने की कोशिश की जाए तो वो शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मेरा बच्चा तो पेट में है, इसे मत छीनिए कुमार साहब। दीदी, दीदी क्या हो गया? दीदी, दीदी आप, दीदी सुब्रमण्यम आया। अम्मा दीदी बोलो ना। अरुणा अम्मा, राज एक मिनट ऊपर आना। कौन है? शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है, देखता हूं। कम इन। मुझे पहचानते हो? कितने बड़े हो गए हो तुम, आओ बैठो। चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी दीदी, न जाने राज कब आएगा। अच्छा अरुणा जी, हम अब चलेंगे, फिर कभी आएंगे। अच्छा दीदी, अब मैं जाऊं, फिर आऊंगी। हाँ अच्छा सुब्रमण्यम, ख्याल रखना। चलो कौन थी वो लड़की? मेरे बचपन की एक दोस्त। क्या करूं डैडी, राज से पूछूं? आखिर इस बचपन की दोस्त से उसका क्या रिश्ता हो सकता है? मगर डैडी, राज ऐसा नहीं है, नहीं है ना? वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, बोलिए ना डैडी। क्या बातें हो रही है डैडी से? कुछ नहीं मम्मी, यूं ही। अरे चेहरा उतरा हुआ क्यों है मेरी रानी का? आंखों में उलझन क्यों है? कौन सा सवाल मन को परेशान किए हुए है? तुम सरिता से प्यार करते हो? प्यार क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम है रीना जी। हाँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसे मिलना बात करना बहुत अच्छा लगता है, बार बार उसे मिलने को जी जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे मिलकर मैं वो सवाल थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ जो मुझे अदरवाइज हॉन्ट करता है। कौन सा सवाल? यही इंसान के दो चेहरों का सवाल, लाइफ के डबल स्टैंडर्ड का सवाल। काश कोई ऐसा ही ना होता
जिसमें इंसान का अंदर न चाहते हुए भी बाहर आ जाता है। इंसान के अंदर जो कुछ है उसे बाहर लाकर तुम क्या करोगे? उसके सही रूप को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। हो सकता है वो रूप बहुत गंदा हो, भयानक हो। सवाल रूप के गंदे और अच्छे होने का नहीं है रीना जी, सवाल है रूप की असलियत का, उसके असली होने का, सही होने का। साहब, क्या है? कोई साहब आपसे मिलने के वास्ते आया है, नाम श्याम दुबे बताता है। आज मैं भी तुम्हारी तरह एक सवाल में उलझी हूँ। कैसा सवाल? मेरा सवाल हो तुम। मैं? हाँ तुम। उलझन क्या है? उलझन हूँ मैं। देखो सरिता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी मुझे मिला है उसे भले ही कोई नाम न दे सकूं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि वो चीज मुझे इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ वो शायद मैं इस दुनिया में किसी और इंसान के लिए नहीं महसूस कर पाऊंगा, इस बात का विश्वास है मुझे। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं और तुम दो ऐसे इंसान हैं जिनसे दुनिया शुरू हुई थी, आदम और हव्वा। जवाब मिला? मिल गया। मैं तुम्हारे ख्यालों में खोई रही, देख कर मुस्कुराता रहा, जाने क्या सोच कर मैं
क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा? हाँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी अपने कमरे में है। इतने अरसे के बाद तुम्हें पाकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। दरवाजा बंद करने का भी ध्यान नहीं रहा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं रत्ना। एक दफा तुम्हें खोकर पागल हो गया था, आज तुम्हें फिर पाकर पागल हो गया। आई एम सॉरी। अब मैं सरिता से नजर कैसे मिलाऊंगी, उसके सामने कैसे जाऊंगी? बहुत हो गई, अब तो सो जाओ। पढ़ाई का मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी सेहत खराब कर लो। चलो मम्मी प्लीज 5 मिनट पढ़ने दो ना। लास्ट प्लीज ओनली 5 मिनट्स। सरिता, इनसे मिलो। यह है मिस्टर श्याम दुबे, मेरी बेटी सरिता। जीती रहो बेटी। ये तुम्हारे डैडी जैसे हैं। Thank you.
सरिता, खाना खाओ बैठकर। क्या करूं दीदी? देवी, कॉलेज का वक्त हो रहा है, जाओगी नहीं? आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। दीदी प्लीज मुझे अपने पास बुला लीजिए ना, मैं अब नहीं जी सकती, नहीं जीना चाहती, अब मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। मैं शादी करना चाहती हूं। मुबारक हो। किससे? आप पूछ रहे हैं? जिनको मैंने अपनी जिंदगी के 10 बेस्ट इयर्स दे दिए। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सिर्फ चाहती ही नहीं हूं, फैसला भी कर लिया है मैंने। देखो रीना, जहां तक शादी का सवाल है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। तुम कभी भी किसी से भी शौक से शादी कर सकती हो। जी हाँ, ताकि आप मुझसे किसी कम उम्र वाली को मिस्ट्रेस बनाकर रख सके। वो तो मैं अभी भी रख सकता हूँ। कैन यू स्टॉप मी? आखिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं रीना, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। और फिर तुम भी क्यों शादी के चक्कर में पड़ी हुई हो? क्या मैंने तुम्हें वो सब कुछ नहीं दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है? मेरा प्यार, मेरी रातें, और फिर तुम जो कुछ भी मांगती हो तुम्हें तो मिल जाता है। मैं आपसे आपका नाम मांगती हूँ, आपका बच्चा मांगती हूँ, वो कैसे देंगे आप? उसके लिए तो पति बनना ही पड़ेगा ना। नाम ही तो है रीना, जिसको हासिल करने के लिए न जाने इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, कितने फ्रॉड हेर फेर करने पड़ते हैं, और फिर उसे हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए क्राइम से भी बाज नहीं आता। क्या आपका नाम पाने के लिए मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा? ऐसा करके भी शायद तुम मेरा नाम हासिल ना कर सको। क्या मुझे देने से आपका नाम गिर जाएगा? रीना, सच्ची बात कहने से ज्यादा समझना जरूरी है। तुम्हारे गले में मेरा दिया हुआ ये डायमंड नेकलेस ज्यादा शोभा देता है बजाय मंगलसूत्र के। सरिता, शाम को जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कुछ मुरझा सी गई है लड़की। इससे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, आज शाम को करूंगी। आखिर वो क्या पूछना चाहती है मुझसे? वो शायद तुमसे माफी मांगना चाहती हो। मुझे नहीं लगता, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उसे जरा भी अफसोस हो। इसमें परेशान होने की क्या बात है?
फॉरगेट इट। राज तुम्हारी माँ नहीं है, शायद इसलिए तुम नहीं जानते माँ क्या होती है। माँ क्या होती है या क्या होनी चाहिए ये मत सोचो सरिता, जो है वो सोचो क्योंकि वही सच है। मगर जो है वो माँ नहीं हो सकती, और अगर वो माँ है तो अपने आप उसकी बेटी कहने से पहले मैं मर जाऊंगी। क्यों, क्या दुनिया जिन्हें नीच और गंदी औरत कहती है क्या उनके यहाँ औलाद नहीं होती, क्या वो इंसान नहीं होती? राज जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैंने देखा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुमने अपनी माँ का जो भी रूप देखा है वो उसके बिल्कुल उलट है जो तुम समझती थी उसका रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो तुम समझती थी या जो तुम्हें समझाया गया था वो झूठ है और जो तुमने देखा है वो सच है। अब इस सच से मत भागो सरिता, इसका सामना करो। देख रही हूँ पिछले 4-5 दिन से काफी अपसेट हो सरिता, क्या परेशानी है तुम्हें? कुछ नहीं मम्मी। मेरी तरफ देखकर बात करो। कुछ भी तो नहीं। देखो सरिता, अगर जी चाहता है तो मुझे 2-4 गालियां दे लो, मुझे थप्पड़ मार लो, मगर अंदर ही अंदर घूटो मत, कूड़ो मत। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ नहीं कहा। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि कहो जो जी में आता है कहो। मेरे जी में तो कुछ भी नहीं आता, शायद अल्फाज नहीं है मेरे पास। मेरे पास बहुत है, और कहना मुझे भी बहुत कुछ है सरिता। मैं तुम्हारी माँ, अगर आज इसलिए जान दे दूं कि मेरी बेटी ने मुझे एक ऐसे मर्द की बाहों में देख लिया है जो मेरा पति नहीं था, उसका बाप नहीं था, या फिर तुम खुदकुशी कर लो क्योंकि तुमने अपनी माँ को अपने पिता के अलावा किसी और के बाहों में देख लिया है, तो भी सच ये है कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के अलावा किसी और के बाहों में थी, क्या हम दोनों के मर जाने से ये सच बदल जाएगा? आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? सरिता अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी कुछ साल मेरे साथ गुजारने हैं, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मैं जो कुछ हूँ जैसे भी हूँ तुम्हारी माँ हूँ। इस सच का सामना करने की कोशिश करो, इसे भागो मत, वरना तुम घुट घुट कर मर जाओगी। ये कहने में आपने देर नहीं कर दी। जिस सच का सामना करने के लिए आप कह रही हैं, क्या उस सच की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत है इस देश की किसी बेटी में? तुम्हारे लिए कोई एस्केप नहीं है सरिता। जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें हक है मुझसे नफरत करने का, मगर ये नफरत तुम्हारा ही जीना मुश्किल कर देगी, क्योंकि मुझे अपने किए कराए पर कोई अफसोस नहीं है। हेलो, कौन? कुमार साहब? नहीं जी, कुमार साहब अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, आने पर कह दूंगा। राजबाबू ठहरिए, शायद वो आ गए हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ राजबाबू, आपका फोन। हेलो रीना जी। हाँ यस, अभी इसी वक्त वो ऐसी। अच्छा ठीक है, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाय राज, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आज शराब पी रखी है। And I'm drunk. मगर रीना जी,
क्या मिला मुझे, डायमंड का नेकलेस मिला, मंगलसूत्र नहीं मिला, हाथों पर नोट रख दिए मगर मेहंदी नहीं लगने दी। क्या फर्क पड़ता है, कुछ मर्द शादी नाम का सर्टिफिकेट लेकर खेलते हैं, कुछ कीमत देकर खेलते हैं। औरत तो खिलौना ही है ना, खिलौना ही है ना, मगर मैं अब किसी को नहीं खेलने दूंगी, किसी को नहीं। उसे उसे शादी नाम का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, अपना नाम देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। सरिता, where are your manners? Come here. मिस्टर दुबे को गुड मॉर्निंग कहना भी मुनासिब नहीं समझा तुमने? जीती रहो बेटी। ये नहीं होगा रत्ना। क्या? ये लड़की मुझे कभी बाप नहीं कहेगी, नहीं मानेगी। अगर इस लड़की की माँ तुमसे शादी करेगी तो उसे तुमको बाप मानना ही पड़ेगा। I still doubt it. That we will see. राज, भ्रम तो सभी टूट गए ना? हाँ। नकाबें भी सब उतर गईं। हाँ। तो हम यहाँ क्यों हैं? किस लिए? अगर जीना है? जीना तो जरूर है सरिता, और इस जिंदगी को किसी भी सांचे में ढाले बिना जीना है। मुश्किलें तो आएंगी ही, मायूस क्यों होती हो? मगर तुम उस सच का सामना कैसे करोगे जो नकाब के लटने के बाद सामने आया है? उस सच्चाई को कैसे सहोगे जो भ्रम के टूटने के बाद उभरी है? सरिता, इस दुनिया को बसाने वाले दो इंसान थे, एक मर्द और एक औरत। हम भी दो हैं, एक मर्द और एक औरत। अगर ये दुनिया हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो हम एक नई दुनिया बसाएंगे, एक ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां सिविलाइजेशन के हथकंडे ना पहुंचे हों। मतलब हम भाग जाएंगे? कब? भागेंगे क्यों सरिता, हम इस दुनिया को ठुकरा कर जाएंगे, इस दुनिया को त्याग करके जाएंगे। कुछ भी हो, मुझे तुम्हारा यहां आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप वहां नहीं आएंगे, मुझे यहां आने की इजाजत नहीं, मतलब मुलाकात हो ही नहीं सकती। तुम्हारी और मेरी मुलाकात में मेरी मर्जी का दखल ज्यादा है। हाँ वो तो होगा ही, और ये मुलाकातें कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अजीब बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आपके इरादे भांप लिए हैं इसलिए। देखो रीना, शादी तो मैं तुमसे करूंगा ही नहीं। शादी तो आपको मुझसे करनी ही होगी। तुम्हारा अंदाज कुछ धमकी देना जैसा है। जी नहीं, मेरा अंदाज हक मांगने जैसा है, और अगर ये हक मुझे नहीं मिला तो याद रखिएगा, जो नाम आप मुझे देने से गुरेज कर रही हैं, जिस नाम को आप समझते हैं मुझे देने से गिर जाएगा, वो नाम मुझे नहीं मिलने पर मैं उसे कितना गिरा सकती हूँ आप जरा सोच लीजिएगा। अगर मैं चाहूं तो सुबह तक तुम्हारी लाश लापता कर दी जा सकती है। हर चाहत पूरी नहीं होती मिस्टर कुमार, बुरे नाम से गिरा हुआ नाम फिर भी अच्छा होता है। सोच लीजिए, मैं कल रात को आपका इंतजार करूंगी, नहीं आए तो मैं यहां आ जाऊंगी। अब
अब मैं मौत से नहीं डरती। जौहर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जौहर। तुमसे ज्यादा वफा की उम्मीद मुझे और किसी से नहीं है। कुमार साहब, जब मुझे मेरी वफा के पूरे दाम आपसे मिलते हैं तो फिर मेरी ये वफा आप पर कोई एहसान तो नहीं। लेकिन लोग पैसे लेकर भी तो वफा नहीं करते हैं जौहर। जो लोग पैसे लेकर वफा नहीं करते वो सिर्फ बेईमान नहीं बल्कि बेवकूफ भी। ये तुमने ठीक कहा है जौहर। मुझे आज भी याद है वो दिन जब अरुणा तेजाब फेंकवाने के बाद भी डरी नहीं थी और तुमने अपने जौहरन अंदाज से मेरी वो परेशानी इस तरह दूर कर दी थी। तो यानी आज भी आप कोई दूसरी परेशानी जौहराना अंदाज से दूर करवाना चाहते हैं? हाँ, आज रीना के मामले में मुझे फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जौहर, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कुमार साहब, एहसान बेशक भूल जाइएगा मगर माला माल करना मत भूलिएगा। नेवर जौहर। मिस्टर जौहर, वो बात तो सिर्फ शादी पर टल गई थी मगर अब तो लगता है कि खालस बर्बादी पर ही टलने वाली है। तुमने रात को बुलाया था, मैं दिन में ही आ गया। आपका आना ही बहुत बड़ी बात है, दिन और रात तो अब बेमानी हो गए हैं। रीना, मेरा ख्याल है कि अगर हम उस तरह नहीं रह सकते हैं जिस तरह पिछले 10 साल से रहते आए हैं तो हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। बहुत ही नेक ख्याल है आपका। ये हो सकता था अगर मैं वही होती जो 10 साल पहले थी। तुम वो नहीं हो तो क्या हुआ? मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही जगह है जो पिछले 10 साल से थी। लेकिन मुझे आज ये जगह आपके दिल में नहीं चाहिए मिस्टर कुमार, आपकी जिंदगी में चाहिए, आपके खानदान में चाहिए, और वो मैं लेकर ही रहूंगी। अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है तुम में। ये कॉन्फिडेंस हालात की देन है मिस्टर कुमार। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि आपके खानदान का नाम मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। अब तो सिर्फ आपको यही फैसला करना है कि ये नाम आप अपने नाम से वाबस्ता करेंगे या अपने बेटे के नाम से। रीना! मैं राज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। Shut up, you bitch! मैं तुम्हारी ज़बान खींच के रख दूंगा। मैं तुम्हारी मिस्टर कुमार, या तो फिर आपको मुझसे शादी करके अपने बेटे के बच्चे का बाप बनना पड़ेगा या तो मैं आपकी रखेल दास्ता मिस्ट्रेस आपके बेटे से शादी करके आपकी बहू कहलाऊंगी, आपके खानदान की लक्ष्मी कहलाऊंगी। बकवास मत करो, मेरे बेटे के साथ तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। सिवाय इसके कि वो मेरे पेट के बच्चे का बाप है, मेरा उससे और कोई रिश्ता नहीं है। अगर ये सच है तो रीना याद रखना कि मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जाओ। Thank you.
पुलिस हवलदार साहब कौन है तुम लोग क्या क्या हो रहा है गोपीचंद जासूस मनोरंजन में हवलदार का रोल किया था बहुत अच्छा किया था आपने चोर मचा शोर में भी हवलदार थे दुश्मन में आपका रोल बहुत अच्छा था दादा बहुत अच्छा था आपकी यहाँ शूटिंग चल रही क्या कपड़े भाड़े के हैं क्या बाप रे ये तो असली है लगता है तुम लोग बहुत फिल्म देखते हो इतनी रात का यहाँ क्या हो रहा वो जी इंतजार कर रहे हैं वाले हैं हमको लेने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं जी मैं भी रुक जाऊं देखने के लिए कौन आ रही है गाय को कबाब में हड्डी बन रहे हो ए हीरो अपनी फिल्म कंपनी जल्दी से यहाँ से हटाओ वरना दफा 110 में अंदर करवा दो दोनों आई और दोनों हाँ बाप रे बच गया आज गया अरे ठहरा भी गया नहीं वो हाँ गया गया चल जल्दी कर सब ठीक हो जाएगा रत्ना लेकिन ट्रेजेडी ये है कि सरिता मुझे कभी अपना बाप नहीं मानेगी मेरी जान उसका बाप भी मानेगा समझे अरे ठहरो कहाँ जा रही हो अभी आती हूँ क्या देख रही हो सरिता जी कुछ भी नहीं अरे तुम इस कदर डरी हुई क्यों हो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या छुपा कर लाई हूँ जी मुझे क्या पता ये तुम्हारा नया बाप मैं देखना चाहती हूँ सरिता कि तुम इस इंसान के साथ बेटी जैसा बताओ करती हो आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं मां हूं तुम्हारी सरिता आज से तुम उसकी जगह इसको दे दो ये हमारा हुक्म है आप कहें मैं आपके लिए अपनी जान दे सकती हूं आपके हुक्म पर अपने आप को खत्म कर सकती हूं मगर उस तस्वीर की जगह इस तस्वीर को दे दूं ये मुझसे नहीं होगा कभी नहीं होगा क्यों नहीं होगा दोनों तस्वीरें ही तो हैं मम्मी एक के साथ पलकर मैं बड़ी हुई हूँ दूसरी आ जाई है बदलना मेरे लिए नामुमकिन है और जिस इंसान का खून मेरी रगों में है उसकी जगह मैं दूसरे को कैसे दे दूँ तुम्हारे रगों में किसका खून है ये तुमसे ज्यादा मुझे मालूम है सरिता क्या मतलब मतलब मैं तुम्हारी माँ हूँ मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो क्या हुआ कोई भी माँ किसी बच्चे को बिना बाप के जन्म नहीं दे सकती बिना बाप के जन्म नहीं दे सकती ये सही है लेकिन बाप कौन है इस बात पर डिस्प्यूट हो सकता है आप क्या कहना चाहती हैं सोचा था ये राज जिंदगी भर तुमसे छुपा कर रखूंगी देयर यू आर डार्लिंग थी मैं जा रहा हूं और 3 दिन सिंगापुर 4 दिन हांगकांग और 7 दिन टोक्यो में रहूंगा 15 दिन में लौट आऊंगा जी सो लुक आफ्टर योरसेल्फ डार्लिंग यू टू बाय 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 हनी शाम तुम्हारा टेलीग्राम मिलते ही मैं 6 दिन की छुट्टी लेकर चला आया कहाँ गए हैं वो जापान सोच रही हूँ तुम्हें बुलाकर मैंने अच्छा नहीं किया क्यों उनके ना होने पर तुम्हारा होना जहाँ मन को शांति देता है वही आग भी तो लगाता है मैं क्या करूँ शाम मैं क्या करूँ सरिता ये तुम्हारा बाप नहीं है ये तुम्हारा बाप है
तस्वीरों को गौर से देखो, देखो सरिता, कि तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है। आपके लिए कोई देकर गया है। राज, मुझे लगता है कुछ होने वाला है, शायद मर्डर ही हो जाए। आज मैंने तुम्हारे डैडी को इतनी सुनाई कि बुढ़ा जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये झूठ मैं उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बोली। मैं चाहती हूँ वो मुझसे शादी कर लें, मगर मैं जानती हूँ वो नहीं करेंगे। तुम घबराना मत, दुनिया चाहे जो भी समझे, मगर तुम जानते हो मेरे तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। मेरी नीयत भले ही हजार बार खराब हुई हो, मेरा दिल भले ही लाख बार तुम्हें बाहों में लेने के लिए मचला हो, मगर मैंने ऐसा किया तो नहीं ना। और इस दुनिया में अच्छी या बुरी वही बात होती है जो की जाती है, जो सोची जाती है मगर की नहीं जाती, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरा रिश्ता आज भी तुमसे माँ बेटे जैसा है, रीना। राज, यहाँ अरुणा जी, आप बोल। हाँ, मैं देख भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ना कि एक अंधी और एक गूंगी कैसे देख सकती है, कैसे बोल सकती है। ये देखो, जानते हो क्या हुआ था? हाँ जानता हूँ, मेरे डैडी ने आप पर तेजाब फिकवाया था ना। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे अपने डैडी के बारे में बहुत सी बातें मालूम हैं। उस वक्त मैं पेट से थी। तुम्हारे डैडी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए जौहर साहब को मेरे पास भेज दिया। जौहर साहब ने एक शरीफ आदमी का ढोंग रचाकर मुझसे शादी कर ली। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई राज। मेरी डिलीवरी के वक्त जब मैंने सुना कि मेरे पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो मैं I'm sorry, Mr. Johar. मुझे लगता है जब से आपकी बीवी ने यह सुना है कि उसकी पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, वो देखने की और बोलने की शक्ति खो बैठी है। नहीं नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता।
होना तो नहीं चाहिए मिस्टर जौहर, लेकिन सदमे से हो भी सकता है। मैंने डॉक्टर के इस चेक का फायदा उठाया। मैंने फैसला कर लिया कि सारी उम्र अंधी और गूंगी बनकर गुजार दूंगी, मगर आज आज क्या हुआ? आज क्या हुआ अरुणा जी? आज जिन हालात में मुझ पे तेजाब फिकवाया गया था, तुम्हारी डैडी की जिंदगी में शायद रीना को लेकर फिर वही हालात आ खड़े हुए, और उन्होंने रीना को क्या किया है? उन्होंने रीना को शायद मरवा डाला है। क्या? अगर ये सच है अरुणा जी, तो मेरे डैडी के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। राज जी, मुझे एक शक है। कहिए। मेरे पेट से बच्चा शायद मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। मेरा इंतजार करना अरुणा जी, मैं लौट कर आऊंगा और आपका ये शक जरूर दूर करूंगा। राज, जी नहीं, कुमार साहब यहाँ नहीं जी, वो इंडिया से बाहर गए हुए हैं। कब आएंगे अजी साहब? जब जहाज आएगा तो आएंगे। क्या कहा, जहाज कब आएगा? अजी साहब ये एयरपोर्ट से पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जहाज कब आएगा? बदमाश! अरे राज, क्या हुआ? कोई युवक सेना जॉइन कर लिया क्या? रीना कहाँ है? रीना कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम रीना कहाँ है? बता रहे तो सर तोड़ दूंगा। अरे बाप रे, अरे यार तुम मुक्के दिखा रहे हो, मैं तो रुके से डरने वाला हूँ। बोल रहे तो मैं जान ले लूंगा। अरे जान क्यों लेते हो, रीना का पता ले लो ना। इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा गुस्सा? चलो चलो, लाओ कागज पर से लिख के देता हूँ। यहाँ क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रीना का पता बताने के लिए। देखो जौहर, मुझसे तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बात की समझ तो मुझे भी है राज, मगर जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो इतनी खतरनाक है कि सिर्फ तुम्हारे बेडरूम की प्राइवेसी में ही बताई जा सकती है। मेरा वक्त जाया मत करो जौहर, जल्दी बताओ क्या बात है। बात यह है राज कि तुम्हारे पिताजी के ऑर्डर पर मैंने रीना को मरवा डाला। क्या? रीना को मरवा डाला? घबराओ मत राज, तुम्हारे पिता समझते हैं कि मैंने उसे मरवा डाला, मगर वो जिंदा है। ये क्या पहेलियां डाल रहे हो? तुमने स्कूल में वो कहानी पढ़ी होगी कि एक बदमाश महामंत्री ने राजा के बच्चे को जंगल में ले जाकर मार डालने का हुक्म दिया। मंत्री के बदमाश जब बच्चे को जंगल में मारने लगे तो उनकी आत्मा ने उन्हें ललकारा, उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया, मगर महामंत्री से आकर कह दिया कि उन्होंने बच्चे को मार डाला। वो महामंत्री तुम्हारे पिता है, और वो बदमाश जिसकी आत्मा ने उसे ललकारा वो मैं हूँ। तो यानी तुमने रीना को मारा नहीं और पिताजी से कह दिया कि वो मर गई? हाँ, मगर तुम्हारे पिताजी की बात पता चल गई तो मेरी मौत यकीनी है। वादा करो राज कि ये राज तुम किसी से नहीं कहोगे, वादा करो। मैं वादा करता हूँ, लेकिन ये बताओ रीना कहाँ है? रीना को मैं अभी आधे घंटे में बुर्का पहनाकर यहाँ लेकर आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। कुमार साहब, राज को शक पड़ गया कि हमने रीना को मरवा डाला है। ये तो गजब हो गया। अब क्या करूं? आपको क्या करना है वो आप सोचिए, मगर मुझे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया? यही कि मुझे किसी हालत में फांसी नहीं लगने का है। तो करोगी क्या? करूंगा क्या, वही जो आपसे सीखा है कुमार साहब, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे रास्ते से हटा दो। जो रास्ते में आए उसे हटा दो? What did it mean? हेलो जौहर। यस। मैं बहुत सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं
कि इन हालात में राज को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है कि उसे उसे किसी फॉरेन कंट्री भेज दिया जाए। तुमने क्या सोचा है? कुमार साहब, राज के बारे में सोचे कि अब कुछ गुंजाइश ही नहीं। एक मर्डर की भी वही सजा होती है जो दो मर्डर्स की होती है। जोर, जोर प्लीज, जोर, जोर। गई होगी, आ जाएगी। मैं आसपास के सब घर देख आई हूं, कहीं नहीं है। क्या, कहां गई? कैसे भूल जाऊं? मैं ही तो हूं वो सवाल। अपने आप को कोई भूल सकता है? क्यों नहीं? कैसे? किसी की होकर और किसी में खोकर। संगम
किसने इसे मार डाला? कौन है इसकी मौत का जिम्मेदार? मैं नहीं, सारी दुनिया हो सकती है, समाज हो सकता है, सिस्टम्स हो सकते हैं, सभ्यता और संस्कार हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं मार सकती। मैंने इसे नहीं मारा बेटी, मैं नहीं मारा बेटी, बेटी। कह दो जाकर समाज से, एक और जान उसके असूलों का शिकार हो गई। सभ्यता के ठेकेदारों से कहो दिवाली मनाए कि गौर दुनिया पूछ गया। कल हर कोने से एक ही आवाज आएगी। कि रत्ना ने अपनी बेटी को मार डाला। रत्ना ने अपनी बेटी को मार डाला। बेटी, बेटी, मैंने तुझे ये कभी नहीं सिखाया था कि तू मुझे औरत नहीं, इंसान नहीं, देवी समझ। क्यों सिखाते हैं बच्चों को लोग कि माँ बाप देवता स्वरूप होते हैं? हर कदम पर जन्म देने वाले की महानता का डंका क्यों पिटा जाता है? जिंदगी उजाला ही नहीं, कालिक भी होते हैं, खुशबू ही नहीं, बदबू भी होती है। माँ माँ ही नहीं, औरत भी होती है, जो गिर भी सकती है, उभर भी सकती है। अगर किसी ने ये सब सिखाया होता, समझाया होता, तो शायद ये कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती। इसकी मौत का जिम्मेदार वो झूठ है, वो फरेब है, जो हमारे सभ्यता और समाज की बुनियाद है। समाज को गाली देकर आप बच नहीं सकती रत्ना जी। जो कुछ देखकर या जानकर इसने आत्महत्या की, वो अगर सच था तो आज तक छुपा के क्यों रखा गया था? अपने चेहरे की कालिख अपनी बेटी को उस वक्त क्यों नहीं दिखाई जब उसने उजाले और कालिख को अच्छे और बुरे के तराजू में तोलना नहीं शुरू किया था? जिससे कालिख तुम कहते हो, अगर मैं उसे कालिख समझती तो आज इसकी जगह मेरी लाश होती। आप जो समझती हैं वो आपने अपनी बेटी को ठीक वक्त पे क्यों नहीं समझाया? क्या समझाती मैं उसे? यही कि मैं तुम्हारी माँ एक औरत हूँ जिसे मर्द की जरूरत है। ये बात तभी उसे समझ में आती जब वो खुद औरत बन जाती। एक बच्ची को ये बात कैसे समझ में आ सकती थी? आप इसे ये तो समझा सकती थी कि इस दुनिया में कुछ बुरा नहीं है, कोई गुना नहीं है, कोई पाप नहीं है, हम सब जानवर हैं, कोई देवता नहीं है। किसी समाज का कोई भी बंधन, किसी मजहब का कोई भी असूल इस जानवर की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। इस युग के सबसे बड़े पापी वो लोग हैं जो इस जानवर से इसकी ओरिजिनलिटी छीन कर इसे असूलों का पुतला बना देते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार वो लोग हैं जो इसके इनोसेंट माइंड को मां बाप पूजा, धर्म पूजा के नाम पर करप्ट करते हैं। धर्म कंफ्यूज माइंड की इजाद का एक खोखला विश्वास, और मां बाप दोनों जानवर हैं, मगर सिस्टम्स इसके उलट सिखाते हैं। अगर आपने सरिता को इस हकीकत से आगाह किया होता तो ये शायद कभी नहीं मरती। आपके बेटे से शादी करके आपकी बहू कहलाऊंगी, आपके खानदान की लक्ष्मी कहलाऊंगी।
जौहर। जौहर पिछले 10 साल से मेरी रखेल थी, दास्ता थी, उसे छूने की जुर्रत कैसे की तुमने? गॉड डैडी, गॉड ने क्या किया है? अगर रीना ये खत लिखे बगैर मर जाती या जो कुछ उसने आपसे कहा था वो सच होता तो आप मुझे कहां तक कितना ब्लेम कर सकते थे? क्या आपने मुझे कभी ये बताने की तकलीफ की थी कि आपकी रखेल कौन है? शट अप! कोई भी बाप अपने बेटे को ये बात नहीं बता सकता। जो बात बेटे से छुपानी पड़े वो करता ही क्यों है बाप? जो समाज से छुपानी पड़े वो करता ही क्यों है इंसान? आज अगर आप अपने आप से पूछें कि आपने रीना को क्यों मरवाया था या अरुणा पे तेजाब क्यों फिकवाया था तो क्या जवाब है आपके पास? यही ना कि अगर रीना जिंदा रहती या अरुणा जौहर से शादी ना करती तो आप समाज में बदनाम हो जाते। डैडी, आज अगर आप कानून से रीना की मौत को छुपाने में कामयाब हो जाए तो कभी क्रिमिनल नहीं कहलाएंगे, समाज से छुपाने में कामयाब हो जाए तो कभी बुरे आदमी नहीं कहलाएंगे। मगर क्या आप कभी इस मौत को अपने आप से छुपा सकेंगे? इससे पहले मैं और कुछ कर बैठूं, चले जाओ यहां से और भूल जाओ कि तुम्हारा बाप इस देश में मौजूद है। आप किससे भाग रहे हैं डैडी, किससे छुप रहे हैं? कानून से, समाज से, मुझसे, अपने आप से? राज डैडी, जिस नाव में बैठकर आप जीवन सागर के पार उतरने की कोशिश कर रहे हैं वो समाज और सिस्टम्स की दी हुई नाव कागज की है। आप उस पार कभी नहीं उतर पाएंगे। रिवोल्ट डैडी, रिवोल्ट, प्लीज रिवोल्ट। अपने आप के अंदर से समाज के डर को निकालकर बाहर फेंकिए और जाकर कह दीजिए सारी दुनिया से कि जब कोई मर्द और औरत जिस्मानी तौर पर एक हो जाते हैं तो किसी भी सर्टिफिकेट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रीना से आपके ताल्लुकात नाजायज थे तो किसी कागज के टुकड़े पर चंद हर्फ लिखने से जायज नहीं हो जाते। अगर राधा के पेट का बच्चा आपका बेटा हो सकता है तो अरुणा के पेट का बच्चा भी आपका ही है और रीना के पेट का बच्चा भी आपका ही है। सिस्टम्स और समाज के डर से सच के बारे में आपकी राय बदल सकती है डैडी, लेकिन सच सच नहीं बदलता। अगर यह सच है कि हम सब जानवर हैं, हमारे अंदर वैश्यत है, तो कोई भी भगवान, कोई भी खुदा, कोई भी देवता इस वैश्यत को, इस दरंदगी को नम्रता का रूप नहीं दे सकता। बी एन एनिमल डैडी, बी एन एनिमल। जिंदगी और आसान हो जाएगी, किसी कागज की नाव से पार उतरने का कोई धोखा नहीं होगा। अगर आप अपने आप को कानून के हवाले करके सारी दुनिया, सारे समाज से यह कह सके कि आपकी जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया वो सही था, जायज था, then I shall be proud of you daddy। लेकिन अगर आप इस सच्चाई का सामना न करके अपना अच्छा नाम कायम रखने के लिए झूठ पे झूठ बोलते गए, then I मुझे एक दिन यह कहना पड़ेगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं और आप मेरे पिता नहीं हैं। स्टेशन, मैं कुमार बोल रहा हूं। मैं 36 रोड संगम महल से बोल रहा हूं। प्लीज कम क्विकली।
राज, मैंने आज तक तुम्हारी तरफ गौर से नहीं देखा, कभी तुम्हारी बातों को ध्यान से नहीं सुना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जोहर भी मेरे साथ पकड़ा जाएगा और हमें सजा भी हो जाएगी। अरुणा का ख्याल रखना, चूंकि वो तुम्हारी मां है। डैडी, राज flying, my boy. Keep the flag flying. Keep the flag flying. कहानी तो मेरी भी वही है जो सरिता की थी। उसकी मां का पति उसका बाप नहीं था और मेरा बाप मेरी मां का पति नहीं है। मैं कैसे जिंदा हूं, वो क्यों मर गई?